नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए साइकोलॉजी की किताबों के बारे में। आज के रिव्यू के लिए मैंने दो किताबें चुनी हैं साइकोलॉजी की, जो कि मुझे काफी बेहतर लगी है। उनमें से एक किताब स्पेशली आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिखी गई है, और एक दूसरी किताब है जो कि रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और उन तीनों को ध्यान में रखते हुए उनमें सभी टॉपिक्स को शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो एक किताब है मेरे पास अपनी पोथी डॉक्टर जेडी सिंह की, जो कि फर्स्ट ग्रेड के लिए ही लिखी गई है, और दूसरी मेरे पास किताब है जो अभी पिछले महीने आई है, आर्य कंपटीशन टाइम की शिक्षा मनोविज्ञान। तो इन दोनों किताबों का रिव्यू करूंगा, मैं आपको इनका कंटेंट दिखाने की कोशिश करूंगा और आपको यह बताने की कोशिश करूंगा खास तौर से कि फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको कौन सी किताब और किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। तो ये वो दो किताबें हैं, ये आर्य कंपटीशन टाइम वाली है शिक्षा मनोविज्ञान, और दूसरी अपनी पोथी वाली है। तो पहले मैं अपनी पोथी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये डॉक्टर जेडी सिंह वाली किताब है, उसके ऊपर स्पष्ट लिखा गया है कि आरपीएससी व्याख्याता स्कूल शिक्षा के लिए है, और सेकंड एडिशन है ये। अब इसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी दिया गया है, और लास्ट वाली यूनिट जो आईसीटी पेडागोजी वाली है वो भी इसके अंदर दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और भी बाकी जो इसका बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई है। इस किताब की खासियत की बात करें तो ये किताब समझने में बहुत आसान है। बहुत ज़्यादा ऐसा इसमें भरने की कोशिश नहीं की गई है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में सूचना दे दी जाए कि उसको समझना ही मुश्किल हो जाए, ऐसा इसमें नहीं किया गया है, और काफ़ी बेहतर तरीके से इस बातों को बताया गया है। और बहुत सारे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, बहुत सारे जो इस प्रकार के सिद्धांत हैं, उन सब बातों को इंग्लिश में भी बताने का प्रयास किया गया है ब्रैकेट में, क्योंकि कई बार हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी मनोविज्ञान की कुछ शब्दावलियां ऐसी हो जाती हैं जिनको समझना मुश्किल हो जाता है, और उनके अंग्रेजी में वर्ड काफ़ी ईजी होते हैं। तो ये यहाँ पर आपको आसानी रहेगी इसको समझने में। किताब अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से काफ़ी बेहतर है, और लगभग लगभग जरूरी सामग्री जो फर्स्ट ग्रेड के लिए है वो इसमें आपको मिल जाती है। तो मैं आपको कुछ इसके टॉपिक्स दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी समझ पाएं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात ही रख दूं और आप इस किताब में कुछ देखे बिना मेरी बात मान लें कि ये किताब अच्छी है। मुझे अच्छी लगी ये किताब। अभी हर टॉपिक के बाद में और आपको पिछले जो आरपीएससी के व्याख्याता के एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कई प्रश्नों की आपको व्याख्या भी मिल जाती है। देखिए, आपको पिछले जो आरपीसी स्कूल व्याख्याता के एग्जाम है उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाते हैं, उनकी व्याख्या वगैरह भी अधिकांश प्रश्नों की आपको मिल जाती है। आप देखने की कोशिश करें, जितने भी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। देखिए, जैसे ये पहला टॉपिक था तो इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन, मैं जल्दी जल्दी पेज पलटने की कोशिश करता हूँ, 238 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। फिर उसके बाद में जैसे दूसरा टॉपिक है अधिगमकर्ता का विकास, बाल विकास एवं वृद्धि के बारे में, ये देखिए ये सारे सिद्धांत वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सिद्धांत, क्योंकि आपने कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिए हैं, रीट वगैरह की भी तैयारी करते हैं, तो वो देखकर भी अनुमान लगा लेंगे कि ये किताब कैसी है। समझने में इस किताब को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्रमाणिक तरीके से लिखी हुई किताब मुझे ये लगी। ये देखिए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, आप स्टॉप करके भी देख सकते हैं कुछ पेजेस को यदि आप देखना चाहें तो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, दो किताबों का है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका आपकी एक अच्छी राय इन किताबों के बारे में बन जाए, क्योंकि इस साल एग्जाम्स होने ही वाले हैं सभी प्रकार की परीक्षाओं के। तो ये किताब मैं कहूंगा कि फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी ले सकते हैं और उनके लिए किताब अच्छी रहेगी। हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो आर्य कंपटीशन टाइम है वो एक अच्छी किताब है, और वो भी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी। उसकी क्या उपयोगिता है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ और टॉपिक्स इसके मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि पूरी किताब तो दिखाने का कोई औचित्य है नहीं, आप जो बुक स्टोर हैं उनमें भी ये किताबें मिल जाती हैं, आप खुद भी वहां पर जाकर इन किताबों को देख सकते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान आर्य कंपटीशन टाइम की बात करें, बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में कमेंट करके पूछ रहे थे, निर्मल कुमार आर्य और सुमन ढाका की ये किताब, इसके टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं है। मनोविज्ञान, अधिगम, अभिप्रेरणा, बुद्धि, सृजनशीलता, व्यक्तित्व, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य, निर्देशन एवं परामर्श, विकास एवं अभिवृद्धि, वंशानुक्रम, वातावरण, व्यक्तित्व विभिन्नताएं, विकास एवं शिक्षा में निहितार्थ, ये सारे टॉपिक्स आप इसके देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और ये पिछले सालों के आए हुए पेपर, ये देखिए ग्रेड फर्स्ट का एजुकेशन साइकोलॉजी पेपर 2012 का, पेपर 1 से 6 तक के सारे यहाँ पर दिए गए हैं। यानी इसमें आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, इसमें आपको पेपर वाइज दिए गए हैं, और लास्ट में, यानी पहला जैसे
पहला चैप्टर है, उसके बाद में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। दूसरा चैप्टर, उसके बाद में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लास्ट में दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था, प्रश्नों को देने का अलग अलग तरीका है दोनों किताबों में। तो ये किताब आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके भी मैं टॉपिक्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि शुरुआती जो मनोविज्ञान के बारे में बातें हैं। ये किताब आपको उतनी इजी नहीं लगेगी जितनी कि आपको डॉक्टर जेडी सिंह वाली किताब लगेगी, लेकिन परीक्षा के लिए जो जरूरी सामग्री है वो इसमें डालने की कोशिश की गई है। सभी प्रकार की जो भर्ती परीक्षाएं हैं, रीट से लेकर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तक की, उन सबको इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। और मैं बात करूं तो जैसे जेडी सिंह वाली किताब है तो ये किताब काफ़ी अच्छी है। 20-30% मैटर इसमें ऐसा है कि उसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि आप कुछ और भी उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ बातें और भी ऐड की जा सकती हैं। हालांकि वो ऐसा है कि यदि आप साइकोलॉजी में खूब गंभीर तैयारी करना चाहते हैं, समय है, तो आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें ऐड कर सकते हैं, और उनको ऐड करने के लिए आप आरी कॉम्पिटिशन टाइम का यूज़ कर सकते हैं, या इस प्रकार की और किताब आते हैं जैसे सिखवाल की किताब काफ़ी अच्छी आती है, उससे आप ऐड कर सकते हैं। अवनी पब्लिकेशन की किताब काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन वो किताबें जेडी सिंह जितनी ईजी नहीं हैं। और उनमें हालांकि मैं कहूंगा कि सामग्री आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती है इन किताबों से, लेकिन डॉक्टर जेडी सिंह की किताब पढ़ने के लिहाज से मुझे ज़्यादा आसान लगी। और मेरी राय आप मैं बताऊंगा, यदि फर्स्ट ग्रेड के लिए बाहर से बात करूं तो आप जेडी सिंह की किताब ले सकते हैं। आपको 2-5-10 दिन का ऐसा समय लगेगा कि आप जैसे आरी कॉम्पिटिशन टाइम की किताब ले लें और उस किताब से उस टॉपिक जो भी आप फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कुछ जो एक्स्ट्रा बातें कुछ टॉपिक्स के अंदर आरी कॉम्पिटिशन टाइम में आपको मिल सकती हैं, कुछ हालांकि जेडी सिंह में काफ़ी बेहतर दिए गए हैं, और कुछ उनमें आपको लगेगा कि आरी में उतना मैटर नहीं है उस टॉपिक्स में, लेकिन कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको आरी में थोड़े से ज़्यादा बातें मिल जाती हैं, कुछ जरूरी बातें भी हैं, वो आप डॉक्टर जेडी सिंह की किताब में ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको किताब और आगे कुछ टॉपिक्स दिखाने की कोशिश करता हूं। ये किताब आपकी, वैसे भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक से ज्यादा परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी वो रीट पात्रता परीक्षा देना चाहेंगे, और बाद में रीट के बाद में जो दूसरा एग्जाम होगा वो भी देने की कोशिश करेंगे, तो वो विद्यार्थी जेडी सिंह के साथ ये किताब ले सकते हैं। या उनके पास यदि पहले से सिखवाल पब्लिकेशन वाली या अवनी पब्लिकेशन वाली किताबें हैं तो वो उनके साथ जा सकते हैं, और जेडी सिंह वाली में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट यदि वो करना चाहे, यदि उनके पास समय है तो वो कर सकते हैं। ये आप यदि इसको पॉइंट टू पॉइंट यदि कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि कुछ मैटर, कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें मैटर आपको इसमें आरी कॉम्पिटिशन टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा दिया जा सकता है, जेडी सिंह से थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। वो मैंने आपको बताया कि वो आप चाहें तो कुछ उसके ऊपर नीचे मैनेज हो सकता है। बहुत सारी किताबों में आपको ऐसा करना चाहिए कि कुछ जरूरी बातें हैं वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर एडजस्ट कर लें, जैसे कहीं पर किसी एक दो किताब का नाम या कोई एक प्रकार दो प्रकार की और बातें, कोई परिभाषाएं कम ज़्यादा आपको लगें तो वो किसी एक किताब में एडजस्ट कर लें। ऐसा नहीं कि आप बार बार जैसे मनोविज्ञान के लिए आप एक टॉपिक इसमें से पढ़ रहे हैं, एक उसमें से पढ़ रहे हैं, चार टॉपिक सिखवाल में से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करें। एक किताब को आप संपूर्ण बना लें, भले ही आप नोट्स बनाएं चाहे किसी किताब को एक नोट्स का रूप दे दें, वो आप करने की कोशिश करें। तो ये मैं आपको जैसे अभी प्रेरणा वाला ये टॉपिक दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि नई किताब है, बहुत से विद्यार्थियों ने इसको देखा भी नहीं है, और जब आप खुद भी किताब लेने जाएं बुक स्टोर के ऊपर तो भी आप किताबों के पन्ने पलटकर चेक करने की कोशिश करें, कहीं आप मतलब अपना पैसा खराब ना कर दें। और चाहे वो रिव्यू मैं करता हूं चाहे कोई दूसरे चैनल वाले रिव्यू करते हों, आपको किताबों को खुद भी देखना चाहिए। एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है चैनल्स को देखने से, चाहे मेरा देखें दूसरे का देखें, लेकिन फिर भी उसकी जो लैंग्वेज वगैरह है या और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं वो भी आप देख लिया कीजिए। तो यहाँ देखिए ये जो पेपर दिए गए हैं इसमें लास्ट में, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें अंत में दिए गए हैं, उसमें आपको हर जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग मैनेज किए हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें आपको पेपर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये दोनों किताबें हैं फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से। डॉक्टर जेडी सिंह की किताब मुझे अच्छी लगी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी पब्लिकेशंस की किताब अच्छी आती हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान जैसे सेकेंड ग्रेड के लिए और रीट के लिए वंदना जाधव उनकी बहुत अच्छी आती हैं, सिखवाल पब्लिकेशन के जो दो राइटर्स हैं उनकी किताबें भी काफ़ी अच्छी आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ही दो किताबें मास्टरपीस हैं या इनका कहीं कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली यदि फर्स्ट ग्रेड के
क्योंकि मैंने पीछे एक पोल भी करवाया था और उस पोल में भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। मैंने पूछा था कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर ज्यादातर विद्यार्थी वही थे, मतलब 50% उनकी संख्या थी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं। तो उनके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि डॉक्टर जेडी सिंह की किताब आप पढ़ सकते हैं अपनी पोथी, और इसके साथ जो आपके पास दूसरी कोई किताब है जिसमें थोड़े से ज्यादा फैक्ट वगैरह देने दिए हुए हैं, ज्यादा परिभाषाएं दे रखी हैं, तो उसमें से कुछ आप जेडी सिंह में मैनेज करके इसको अपनी बेस किताब बना सकते हैं, आपके लिए अच्छी होगी। यदि आप कोई दूसरे पब्लिकेशन की किताब पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आपको वो बेहतर लगती है, आपने उसको बार बार रिवाइज किया है, तो प्लीज आप उस किताब को चेंज न करें, उस किताब के साथ लगे रहें। बार बार किताबें चेंज करना कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के लिए जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जल्द ही मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा, तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं फर्स्ट पेपर का जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर ही कर लें आप, क्योंकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियोज समय समय पर आते रहेंगे। तो ये था मेरा रिव्यू आर्य कंपटीशन टाइम और अपनी पोथी की दो किताबों का। आप इनका इनको कंपैरिजन मान सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।